लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ओके डन, ओके खाला देन, सी यू। बच्चों अच्छा हो तुम आ गए। अरे बाबा वो तो मैं जब से तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ अच्छा ही हो रहा है। आपकी शक्ल से लग रहा है कि बाबा तुम शर्मा रहा है। एक तो तुम कोई बात ज्यादा अच्छी नहीं करते, फेस रीडिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं करते तुम। बाबा ये क्या होता है फेस रीडिंग? वो खैर छोड़ो, बच्चों तुम ना अच्छे से तैयार हो जाओ। हाँ क्यों बाबा, हम कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, मेरी खाला हमारे घर आ रही हैं। अरे बाबा तो मैं क्यों तैयार हो जाऊँ? तुम तैयार हो, तुम्हारी खाला तैयार हो। अरे भाई तुम तैयार हो ना, मेरी खाला आ रही है, बॉबी खाला। अरे बाबा क्या बाड़ों की मालिक है जो मुझे बता रही हो? बच्चों तुम कभी बाड़ों और भैंसों से बाहर क्यों नहीं निकलते? अरे बाबा कैसे करें, यही तो मेरी पहचान है ना। वो सब आपकी मर्जी भैया, लेकिन एक बात याद है, मेरी खाला जो है ना वो एकदम टिप टॉप मॉडर्न किस्म की आंटी है, उनके सामने ना आपने बिल्कुल मॉडर्न रहना, और ये गंवार गाय भैंसों की बातें नहीं करनी उनके सामने। अरे बाबा तोबा तोबा तोबा, तुम चाह रहे हैं कि हम मिलके तुम्हारी खाला को धोखा दें? नहीं भाई आप समझ क्यों नहीं रहे बात। बाबा इसमें समझना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना याद रखे कि मेरे ज्यादातर रिश्तेदार सारे के सारे मॉडर्न लोग हैं, ठीक है? तो उनके सामने आपको भी मॉडर्न बनना पड़ेगा उनकी तरह। ठीक है बाबा ठीक है, जब मेरे गांव से कोई आएगा तो तुम गांव वाली बन जाओगी, गांव से जाके दूध निकालेगा। बच्चों बच्चों माय कॉबॉय, तैयार हो जाना। ओके ये सीमा का घर है। तो आपको क्या चिड़िया घर लग रहा है? नहीं मगर बहुत छोटा सा नहीं है? हेलो आपने जॉगिंग करनी है इसके अंदर? अरे छोटा का, इसमें तो पूरा खानदान रह सकता है। ओफो एक तो तुम लोग भी ना। ओएमजी ओएमजी, एक कंपनी है आपकी कोई? तुम नहीं समझोगे, चलो सीमा को बुलाओ। आई 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 सीमा मैडम, सीमा मैडम देखें क्या चीज आई है। चीज? हाउ डेयर यू। थैंक यू खाला, खाला ओ माय गॉड हाउ आर यू। I am good. वैसे ये हादसा कब हुआ? कौन सा हादसा? अरे यही तुम्हारी शादी का। बस कुछ दिन पहले ही हुई खाला मेरी शादी। जानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ खाला जानी के लिए पानी लेकर आओ, ठंडा। खाला पानी भी पीनी है? यारे अच्छा सामान भी रख दूं? बिल्कुल। अच्छा वैसे तुमने अपने शौहर को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ा रखा? खाला ये नहीं नहीं ये वो नहीं जो। अस्सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम, मगर मैं तुम्हारी खाला नहीं हूँ। ये क्या मतलब है साईं? मतलब ये कि मैं नौकरों के लिए सिर्फ मैडम हूँ, मैडम मैडम कहो। खाला ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। खाला ये तो मेरे शौहर हैं। ये शौहर हैं? तो फिर वो कौन था? वो इस घर का मैनेजर, बस समझने के इस घर का नौकर भी है, बड़ा पुराना आदमी है। अच्छा वो पुराना है, तो ये कौन सा नया? ये भी तो इतना पुराना है। खाला ये मेरे शौहर है, इनका नाम है बच्चू। बच्चू? पापा पापा नाम तो देखो, OMG। क्या हुआ दा? अरे बाबा कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये प्यारा सा बूथा क्यों बना के बैठा हुआ है? अरे बाबा वो सीमा की एक खाला आई है, बॉबी खाला, बड़ी मॉडर्न बन रही है अपनी तरफ से, मेरी बेइज्जती कर रही थी। मैं तो तुम्हें पहले ही बोलती थी, पर तुम ही हमेशा अपनी बीवी की तरफदारी करते थे। अरे बाबा छोड़ो पिछली बात, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बाबा गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। क्यों ना बोलना, आखिर हम इस घर के आधे मालिक हैं। आधे वो भी तो हैं। तो आधे है ना आधे बन के रहे, पूरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। कहती तो तुम वैसे ठीक है। मैं तो हमेशा ही ठीक बोलती हूँ, पर ये बात अलग है कि इस घर में मेरी कोई सुनता नहीं है। अच्छा अच्छा बाबा अब ज्यादा चिड़चिड़ करने की जरूरत नहीं है, और हाँ अगर तुम्हारी वो बॉबी खाला से मुलाकात हो जाए ना तो बकवास करने की जरूरत नहीं है,
सीमा की इज्जत का सवाल है बाबा, सीमा की। साला जब तक यहाँ पे ना मेरे घर पे ही रहिएगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो आई हूँ। ये जानवर कौन सा है? अरे होश में तो है, ये तुम्हारी नौकरानी। एक मिनट, जरीना ये मेरी खाला है। खाला, ये जरीना है मेरी दुश्मन, मेरा मतलब है मेरी नन। अच्छा, पूरा बाड़ा खोल रखा है तुमने घर पे? नहीं नहीं, बाड़ा तो अब पूरा हुआ है, भला गाय के बगैर बाड़ा कैसे पूरा हो सकता है। अरे इसकी जबान तो बहुत चलती है भाई। जरीना तभी से बात करो, मेरी खाला है ये। खाला है तो भला क्या सर पे बिठा लूं? जरीना तुम अंदर जाओ। क्यों जाऊं? ये भला हमारा भी घर है, तुम अपनी खाला को लेके इस घर से बाहर जाओ। ए बस, ये भी मालिक है इस घर की। सीमा मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। खाला गधे, मेरा मतलब है कि आपके लिए गधा गाड़ी मंगा दूं जाने के लिए। बको मत। अच्छा सीमा, जा रही हूँ मैं। अरे बाबा, जितनी देर में तुम उठोगी ना, उतनी देर में तुम्हारा ऊपर जाने का बुलावा आ जाएगा। बस करो जरीना। अब आए बाबा, बस नहीं, इनके लिए तो ट्रक बुलाना पड़ेगा। चलो मेरे ख्याल में मैं ही चली जाती हूँ। लगता है कि खाला का मुंह, मेरा मतलब है कि वात फूंज गया है। खाला है जरीना। बदतमीज कहीं की। उफ, तौबा तौबा। अरे भाई कैसे झेलती हो इन सबको? खाला बस क्या बताऊं, क्या तुम्हारा शोहर भी इतनी बदतमीजियां करता है तुम्हारे साथ? अरे नहीं 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 नहीं, खाला वो तो बहुत ही अच्छा है, आपने देखा नहीं कैसे अल्लामे की गाय है? अरे कोई इंसान भी रखा है इस घर में या सारे जानवर ही पाल रखे हैं? अरे बाबा, बच्चों बहुत हो गया। अरे बाबा अभी तो गेम शुरू किया है, मैं गेम की बात नहीं कर रही। तो फिर तुम्हारी बहन है ना, इतनी बदतमीजी की उसने मेरी खाला जानी से। अरे बाबा पहले तुम अपनी खाला जानी को समझाओ, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। क्या क्या क्या, मेरी खाला और बदतमीजी? जी नहीं, इतनी सोफिस्टिकेटेड खातून है वो। अरे बाबा ये मुझे सोफे पे टिकट वाली बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। सोफे पे टिकट नहीं कह रहे, सोफिस्टिकेटेड यानी एकदम सुलझी हुई खातून है वो। हर किसी से तो उलझती रहती है बाबा, कैसी बातें कर रही हो तुम? कह रही हो कि वो सुलझी हुई खातून है? बात को बढ़ा रहे हो तुम फालतू में। अरे बाबा बात तो बढ़ चुकी है, तुम्हारी खाला नहीं मचिस की तिली है, मचिस की तिली। बच्चू तुम होश में तो हो? हाँ बाबा अब हम होश में हैं। उनके साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। चुपके बच्चे, अरे जो लगाया है ना, देखना पछताओगे इसके लिए। पछता तो मैं बाबा तुमसे शादी करके रहा हूँ, जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती हो। अगर ऐसा है ना तो ठीक है, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग। अरे बाबा आज से क्या, अभी से। अरे भाई वो पेट वाला बंदा आ गया, कोई जरूरत नहीं है अब। अब क्या मतलब? जानी तुम जाओ यहाँ से। अरे बाबा रुको, उसको जाकर बोलो कि हम घर खाली कर रहे हैं, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्या? अरे बाबा मैं सब कुछ बेच कर गाँव जा रहा हूँ। जानी मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। मैडम एक मिनट, मेरे सर से छत छिन रही है, एक सवाल तो बनता है। अब बस कोई सवाल नहीं करेगा बाबा, तुम एक काम करो हमारे साथ गाँव चलो, हमारे बाड़ों का मैनेजर बन जाना। बाड़े का मैनेजर तो अभी क्या हूँ, मेरा मतलब है मैडम कहीं सच कह रहे? अरे बाबा मैं क्या तुमसे मजाक कर रहा हूँ, चलो कमरे से बाहर जाओ, चलो चलो। अरे, 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 बच्चू तुम मेरा मैनेजर है, तुमने उसको कैसे निकाला? अरे बाबा मेरा मैनेजर क्या होता है, सब चीजें आधी आधी है बाबा, हमारा आधा मैनेजर वो भी है बच्चू बात करता है। खट्टा मीठा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस तरह तो मेरे पेट पे लात पड़ जाएगी और दर बदर अलग हो जाऊंगा। कुछ कर जानी, कुछ कर। क्या करूं क्या करूं, आइडिया। बड़े साहब को फोन मिलाता हूं। हेलो मौलाना साहब, मैं जानी। जानी आपका नौकर, वो असल में वो कुछ आपको बता रहा था कि क्या? अच्छा है, मतलब आप नहीं आ रहे? सर कुछ करें ना यार, कुछ करें। आपके बड़े भाई शहर आए हुए हैं? अच्छा तो भेजे ना उनको, जल्दी जल्दी भेजे उनको। हाँ ठीक है ठीक है बॉस, ठीक है ठीक है, ओके ओके। अल्लाह, घर में कोई आए? बाबा और कोई है घर में? बाबा मर गए सब क्या? ए बच्चू, बाबा किधर आए, कौन आए कोई? अरे चाचा सही, आप इधर कैसे आए चाचा सही?
बाबा मोले ने हमको बताया है फोन करके कि तुम्हारा इस घर में कोई झगड़ा मगड़ा हुआ है। क्या बाबा सही को किसने बताया? अरे तेरा बाप है वो, उसको बाबा तेरी सासों का भी पता है। अच्छा कौन है बाबा? बुलाओ, कौन बदमाशी कर रहा है? बुलाओ उसके बाबा मेरे पास, बुलाओ इधर बुलाओ। अरे चाचा सही, ऐसी कोई बदमाशी वाली बात नहीं है। तुमको नहीं पता है? बुलाओ उसको, कौन है, कौन है, कौन बदमाशी कर रहा है, बुलाओ उसको। चाचा सही वो मेरी बेगम और उसकी खाला है। अरे बाबा ये बेगम ने बहुत तंग किया, ये बेगम लोगों ने बहुत तंग किया है, इसीलिए हमने अपना शादी किया ही नहीं है। वरी चाचा सही मैंने तो कर लिया ना अब। मेरे को क्या पता था कि ये बात बेगम का कोई चक्कर मक्कर है, कोई मसला बेगम का है, तो इतना इमरजेंसी में मैं नहीं आता। चलो तो अभी मैं आ गया हूँ तो ठीक है, ठीक है। कहाँ है वो, कहाँ है, बुलाओ उसको। वो अंदर है चाचा सही। कैसा जालिम है, बहुत जालिम, तुमने उसको अंदर करवाया खुद बाहर है, जाओ जमाना करवा उसके बाबा। नहीं चाचा सही, कमरे के अंदर है, कमरे के। अब बाबा कमरे के अंदर है, बुलाओ उसको बाबा, हमारे सामने बुलाओ उसको बाबा, बुलाओ उसको। नाम क्या है उसका चाचा सही? सीमा। सीमा, सीमा, ओ सीमा, अब किधर है, अब आ रहा हो, बुला रहे हैं तुमको, हम बुला रहे हैं तुमको। अरे अरे कौन है भाई, ये कौन इतना गला फाड़ फाड़ के चीख रहा है? वैसे देखने में तो आप पढ़े लिखे और शरीफ आदमी लगते हैं। जैसे आप भी जो है ना, कोई नादानी वाली बात करने वाली लड़की नहीं लगती है। शुक्रिया, ये तो आपकी नजर है। वरी बच्चों का क्या करना है? अरे बच्चे हैं, देख लेंगे हम। हाँ सही बात है, सही बात है। अरे बाबा छोड़ो इस बात को, आप अपने बारे में कुछ बताओ, आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर नहीं है। ओह माफी चाहता हूँ मैं बाबा, माफी। कब हुआ इंतकाल उनका? अरे शादी होगी तो शोहर होंगे ना। अरे बाबा तबीयत खुश कर जाए आपने तो हमारा, तबीयत खुश, तबीयत खुश हो गया है सुन के तो बाबा, मजा आ गया है। क्या मतलब? बाबा मतलब ये के अच्छा लगा बाबा के कोई शादी के बगैर भी खुश रह सकता है। हाँ जी ये तो है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं आए। चले इसमें भी कोई खुदा की मर्जी होगी। नहीं बाबा नहीं, ऐसा बात नहीं आए। अरे बाबा शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। क्या मतलब, आपकी भी शादी नहीं हुई? अरे बाबा कोई मिला ही नहीं था। का क्या मतलब? मतलब ये कि अब लगता है कि कोई हमारे लिए भी बनाया गया है। चाचा साई, चाचा साई, चाचा साई। अरे बाबा ये कब आए आप? अभी आया है, मैं कुछ देर पहले आया है। भतीजी है हमारी। पता है इसने बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ। तो क्या प्यार करूं मैं? खामोश। मगर चाचा वो माफी मांगो, चाची है तुम्हारी। मतलब चाची जैसी आए, माफी मांगो उससे। माफ कर दो मुझे। अरे भाई और कोई हमारे लायक काम आए? वो बच्चू और सीमा का क्या करना है? कौन बच्चू कौन सीमा? आप जो आए थे शर्माती बहुत अच्छा है। कई भैंस पानी में। अब बस कब कह दिया है बस तो बस। मगर चाचा सही, अगर मगर बाबा कुछ नहीं चलेगा बरी। हाँ चाचा सही, आप मेरी तरफ से हो या उन्हीं की तरफ से? बाबा मैं तो अभी भी तेरी तरफ से ही हूँ। तो चाचा सही आप मुझसे कह रहे हो माफी मांगने का, वो भी बॉबी खाला से? हमारी तेरा गलती है इसलिए। हैं चाचा सही मेरी गलती कैसे है? एक तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। मजाक तो बाबा तुम अपना खुद उड़वा रहा है। वो कैसे चाचा सही? अभी देखो अपने आप को, देखो शहर में रहता है, देहाती बना घूमता है, तो ये भी उनका गलती है भरी। चाचा सही मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा ना। तो बाबा फिर कुछ भी बोले कोई काय को बुरा लगता है तुमको भरी? अब जैसा मैं कहता हूँ ना भरी वैसा करो। चले के बाबा माफी मांगो से। अच्छा चाचा सही आप कहते हैं तो मांग लेता हूँ, चले। बाबा सबर करो ना। अरे चाचा सही चले ना बाबा सबर। खट्टा मीठा
खट्टा मीठा। देखो इतना गुस्सा नहीं करते। क्या आप कह रही हैं? आपको पता है ये सारा फसाद ही आपकी वजह से हुआ है। क्या मतलब? मैंने कहा था कि अपने शौहर से लड़ो। खाला ये आप कह रही हैं? तो क्या मेरा भूत कह रहा है? मैं आपके चक्कर में अपने मियाँ से इतना लड़ ली। अरे तो कहाँ नहीं होती मियाँ बीवी में लड़ाई, ये तो होता ही रहता है। वाह कमाल है। कमाल नहीं है, बच्चू है बच्चू, और वो भी तुम्हारा। अच्छा आप मेरा हो गया, पहले जो कह रही थी क्या जाहिल जट कहाँ से तुमने शादी कर ली है। हाँ तो क्या करूँ, जैसा दिखता है वैसा ही कहती हूँ। और वो जरीना, उसने जो आपसे इतनी बदतमीजी की थी उसका क्या? अरे उसने तो माफी मांग ली मुझसे। माफी जरीना ने मांग ली? कैसे खाला? वो है ना बच्चू, बच्चू के चाचा आए हैं। लो भाई उनके आते ही सब सीधे हो गए। हैं? बच्चू के चाचा? यार अल्लाह ये क्या नई मुसीबत आ गई। ओहो उन्हें ऐसे मत कहो। अरे उनकी तो क्या रोबदार शख्सियत है, क्या बोलते हैं, क्या चलते हैं, क्या दिखते हैं, भाई वाह 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 वाह। ये क्या चक्कर चल रहा है? अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अरे छोड़ो ना उनको, तुम अपनी बात करो। लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा। मैडम मैडम एक बात तो बताएं। जानी अभी ना मेरा मूड खराब है, जाओ यहाँ से। मैडम बस मुझे इतना बता दें, ये जो अंदर 2000 कार्टन दूध के पड़े हैं, ये मुझे अकेले ने पीने हैं या कोई बिजनेस करना है? जानी मैंने तुम्हें कहा ना मूड मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है, सारा का सारा गुस्सा तुमको उतार दूंगी भी। ओहो मैडम देखे हर घर में झगड़े होते रहते, जो हुआ जाने दे। जाने दे, तुम जानते नहीं उस बच्चों ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। बस अब सब खत्म तो खत्म। सारी बातें छोड़े, ये बताएं उन कार्टन का क्या करना है? ओहो जाके ना सारे कार्टन उस बच्चों के सर पे मार दो, ले जाए अपने साथ गांव, वहां पर अपनी भैंसों को पिलाए, दोबारा एक दफा घूम के आएगा ना तो ये काला काला दूध निकलेगा। हाँ बाबा हम ले जाएगा अपने साथ, खुद पिएंगे, जान बनाएंगे, शहरी लोगों की तरह बीमार नहीं होंगे। ओहो या फिर शुरू हो गए आप। चाचा साईं। खाला आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज आए, हम दोनों ने शादी मना लिया है। और शायद इसी दिन के लिए हम दोनों कमारे थे। मगर खाला लख लख मुबारक, लख लख मुबारक। पापा जो होना था ने वो तो हो गया है, अब आप सबको मुबारक हो हमारी शादी। जानी जानी ये लो बाबा, मिठाई है सबको खिलाओ। सबका? अब बाबा हम जा रहे हैं। खैरियत से जाए और खैरियत से आए। जा का रही हनीमून पे? कहाँ? ठट्टा जा रहे बाबा। अरे बाबा थोड़ा सा मीठा इन दोनों को भी खिला देना, दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा हो गया है। अरे भाई अब खुद ही निमटते रहे ये दोनों। बाय बाय टाटा। मैडम ये ले, काफी छोटे हैं लेकिन बरकत वाले, ये ले। आप भी खा ले थोड़ा। मेरा काउबॉय नहीं है बच्चू। बच्चे साईं एक बात बताओ, ये हमारा घर बचाने आए थे या अपना घर बनाने? दोनों दोनों, टू इन वन। खट्टा मीठा इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।